हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना त्यागी संजना बुटीक में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम किसी टी शर्ट के गले को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी जैसे टी शर्ट ये है, या आपके पास कोई टी शर्ट हो उसका गला इस तरीके से गोल टी शर्ट, जो गोल गले की टी शर्ट होती है ना, वो ये बहुत बेकार लगता है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका जो ये गला है इसे इस तरीके से सीधी तरफ से या उल्टी तरफ से यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद फिर इसे हम ठीक करेंगे। ये देखिए, इस पर हमने यहाँ से ये सिलाई लगा दी है, क्योंकि बैक साइड में ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, हमें सिर्फ फ्रंट पोर्शन में सिलाई लगानी है। उसके बाद पहले हम इसका बिल्कुल जो सेंटर होता है वो देखेंगे। देखिए, जैसे ये हम यहाँ से सिलाइयाँ मिलाएंगे, ये देखिए, तो ये यहाँ पर इसका सेंटर है। तो ये देखिए, इसका सेंटर है और हम यहाँ पे हल्का मार्क कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम अंदर की तरफ यहाँ पर बहुत छोटा सा, चाहे तो आप एक यहाँ इस तरीके से गैपिंग में लगा लें, और चाहे तो एक ही जगह एक कट लगा लें। ये देखिए, इस तरीके से। और इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, या तो आपके पास एक कोई शूलेस हो, या कोई भी इस तरीके की डोरी जो आपके टी शर्ट से मैचिंग हो, उसे इसमें इस तरीके से डाल देंगे। तो चलिए, इसे डालने के बाद चेक करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं जो डोरी इसमें डाल रही हूँ, इस तरीके का इसमें ये नोब है। अगर आपके पास प्लेन डोरी है तो आप सेफ्टी पिन की मदद से भी वो डोरी डाल सकती हैं, यहाँ इस तरीके से लगाकर, तो ये तब इसमें ऐसे करके डाल सकती हैं। मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये नोब है और मैंने इसी के सहारे से मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। ये थोड़ी डोरी हार्ड है, थोड़ी मोटी है, और इसकी पाइपिंग जो लगी हुई है टी शर्ट की, उसके हिसाब से, तो ये इसलिए थोड़ा अटक अटक कर चल रही है। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसे हल्का सा इस तरीके से खींच देंगे तो ये हमारी डोरी अपने आप थोड़ी टाइट हो जाएगी। और ये देखिए, जो गला हमारा पहले पूरा फैला हुआ था, अब इस तरीके से ठीक हो जाएगा। और इस डोरी को चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दें, और चाहे तो इसे बांध भी सकते हैं। अगर आपके भी किसी टी शर्ट का गला इसी तरीके से फैला हुआ है, तो आप भी उसे ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।